यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के दौरान यूक्रेन बुरी तरीके से लहूलुहान हो चुका है। खंडहर में तब्दील हो चुके यूक्रेन के शहर उसके दर्द को बयां करने के लिए काफी है। इस दौरान दर्द की एक और तस्वीर सामने आई है, वो है यूक्रेनी ट्रांसजेंडरों के साथ बदसलूकी का। जान बचाने के लिए यूक्रेन के ये ट्रांसजेंडर्स जब यूक्रेन की सीमा पर पहुंच रहे हैं तो यूक्रेनी बॉर्डर पर चेकिंग के नाम पर बेहद ही गंदे तरीके से छुआ जा रहा है, चाहे वो उनके बाल हों, गला हो या फिर उनके ब्रेस्ट। हर जगह तलाशी के नाम पर उनके बॉडी पार्ट्स को टच किया जा रहा है। इन्हीं ट्रांसजेंडर्स में से एक हैं जूडिस। यूक्रेन की सीमा पार करने के दौरान अपने संघर्ष को याद करते हुए जूडिस ने बताया कि सीमा पार करते समय सैनिकों ने हमें गंदे तरीके से टच किया, बालों को अजीब तरीके से खींचा। उन्हें ये देखना था कि ये बाल असली हैं या नकली। बॉर्डर के सैनिकों का देखने का तरीका इतना गलत था जैसे लग रहा था कि हम कोई जानवर हैं या कुछ और। इसके साथ ही जूडिस ने यह भी बताया कि उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया गया कि वो एक आदमी है। यही नहीं, धमकी देते हुए सीमा पर तैनात सैनिकों में से एक ने कहा, तुम आदमी हो, यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरा एहसान मानो कि मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। जूडिस का कहना है कि मेरे पास सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये बताते हैं कि मैं एक महिला हूँ। इस पूछताछ के बाद जूडिस अपने घर पहुंची, वो घर जो कि रूसी हमले में पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। उस घर तक पहुंचते पहुंचते जूडिस के पास से सारे पैसे खत्म हो चुके थे, जिसके बाद जूडिस को कीव के बाहरी इलाके में बने बंकर में रहना पड़ा। जूडिस की जैसी ही कहानी है ब्रोवरी की रहने वाली 24 साल की ट्रांसजेंडर एलिस की। एलिस और उनके 20 साल के पार्टनर को पोलैंड जाने के दौरान रोक दिया गया। युद्ध के साथ मिल रहे इस दर्द को शेयर कर एलिस ने बताया, वे हमें बॉर्डर के पास बनी एक बिल्डिंग में ले गए जहाँ पर पहले से 3 अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने हमें अपनी जैकेट उतारने को कहा। उन्होंने हमारे हाथों और बाहों की तलाशी ली। मेरी गर्दन को छूकर उन्होंने देखा कि क्या मेरे गले में लड़कों की तरह एडम्स एप्पल हैं या नहीं। उन्होंने मेरे ब्रेस्ट को छूकर तलाशी ली। जांच के बाद बॉर्डर गार्ड ने कहा कि हम पुरुष हैं। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। बता दें कि 14 फरवरी को यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू होने के बाद 18 से लेकर 60 साल तक के सभी पुरुषों पर देश छोड़ने पर रोक लगाया गया था। मार्शल लॉ के मुताबिक यूक्रेन में सभी पुरुषों को सेना में सेवा देना अनिवार्य है। ये कानून ट्रांस लोगों पर भी लागू होता है, खासकर वो लोग जिन्होंने अभी तक अपने दस्तावेज नहीं बदले हैं। लेकिन वैध दस्तावेज होने के बावजूद जूडिस और एलिस को सीमा पार करने से रोका गया। ऐसे सैकड़ों ट्रांसजेंडर्स हैं जिन्होंने सीमा पार करने की कोशिश की। इन्हें कानूनी रूप से महिला भी माना जाता है, बावजूद इसके दर्जनों लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने का मामला सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।